दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इन फोटोशॉप। ये इमेजेस आप देख पा रहे हो, इस तरीके की इमेज आप भी अपनी फोटो को एडिट करके बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फोटो है, हम इस फोटो को सबसे पहले तो कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए मैं यूज करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मैं यूज कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने क्विक सिलेक्शन टूल का यूज किया और मैं क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं अपनी इस इमेज को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब क्विक सिलेक्शन टूल से तो हमें काफी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें इस तरीके से यहाँ पे लेना पड़ता है। तो बेटर मैंने कंट्रोल डी किया, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो अपने आप ही ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद आप क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से या पेन टूल की हेल्प से, किसी भी टूल की हेल्प से जो जो चीजें आपको एक्स्ट्रा लेनी है, जैसे ये वाला पार्ट नहीं आया यहाँ पे, तो आप इसे ऐड कर सकते हो क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से। जो पार्ट एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो सिलेक्शन को, और इस पार्ट को आप यहाँ से डिसलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से करनी है इन लास्ट। अगर आपसे इस तरीके से चीजें नहीं हो पाती है तो आपको पेन सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पार्ट को मैं हल्का सा सही कर लेता हूँ, जो पार्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए। अल्ट प्रेस करके, जैसे ही मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, विदाउट अल्ट यहाँ पे प्लस का साइन आपका यहाँ पे रहेगा। तो आप ऐसे अल्ट प्रेस करके इसको स्विच कर सकते हो प्लस और उस पे माइनस पे। तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसे मास्किंग। मास्क करने के बाद मैं इस मास्क पे राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करता हूँ, ताकि मैं इसकी, जैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेयर के बीच में जो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आता है वो नहीं आ पाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा रिफाइन एज ब्रश टूल और मैं इसकी एजिस पे इस तरीके से ब्रश टूल को यूज करूंगा, इसकी एजिस को वो रिफाइन करेगा और एक वो रियल इफेक्ट टाइप में आपको दिखाएगा। तो यहाँ से जो जो मेरे को बाल वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैं इस तरीके से यहां से यूज करूंगा, और थोड़ा सा यहां से मैं ऐसे इसको यूज करूंगा। जैसे आप देखोगे थोड़ा सा रियल इफेक्ट वो वहां पे नजर आएगा। इसको करने के बाद यहाँ पे आप लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर दें। तो अब आपकी देखो यहाँ पे एजिस ट्रांसपेरेंट आ गए हैं यहाँ से बीच से भी, ताकि आपका रियल इफेक्ट यहाँ पे नजर आए। अब आपको क्या करना है, मैं एक न्यू विंडो लेता हूँ और इसको कस्टम करता हूँ 920x108 और इसको 150 कर लेता हूँ यहाँ पे रेजोल्यूशन को, एंड क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब मेरे को वो वाली इमेज यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ और इस वाले पेज पे मैं ले आता हूँ। यहाँ पे काफी साइज बड़ा है तो मैं इसके साइज को अल्ट प्लस शिफ्ट की हेल्प से प्रेस करके इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ, जितना मेरे को यहाँ पे साइज इसका चाहिए। इतना साइज रखने के बाद मैं इसे प्लेस कर देता हूँ जहां पे भी मुझे ये प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद फिनिश करने के बाद अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करें और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीविका, ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे रखा, नाम है जीविका, तो मैंने यहाँ पे किया जे। एंटर करो ताकि नीचे लिखा है IVIKA, तो ये जीविका यहाँ पे लिखा। अब जीविका के टेक्स्ट का साइज मेरे को इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करूंगा, तो ये टेक्स्ट का साइज देखो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसके बीच में जो भी मेरे को रखना है साइज, पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। फॉन्ट में रखता हूँ द बोल्ड इफेक्ट, ये रहा द बोल्ड फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब इसके साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसके बीच से, इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जहां पे मुझे ये प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद अब ये मेरा यहाँ पे परफेक्ट है। इसको करने के बाद मैं इस मास्क को यहां से सिलेक्ट करूंगा, ब्रश टूल यहां से चूज करूंगा और यहां से मैं ब्लैक कलर यहां पे ले आऊंगा। क्लियर, ब्लैक कलर की हेल्प से अब मेरे को अगर वो ब्रश का साइज नजर नहीं आ रहा तो आप कैप्स लॉक को दोबारा प्रेस करो तो आपके पास सर्कल आ जाएगा। कैप्स लॉक की हेल्प से आप ब्रश को देख सकते हैं उसके साइज को, और ब्रश के साइज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से, या तो यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके दूसरा क्लिक यहाँ पे करता हूँ, ताकि स्ट्रेट वो उस चीज को इसको हटा पाए, मेरे को ये चीज हटानी है। अब आप यहाँ पे दोबारा से आओ और यहाँ पे मैंने लिया व्हाइट कलर। अब मेरे को क्या करना है, इसको हाफ हाफ पे रखता हूँ मैं वर्ड्स के बीच में। यहाँ पे मैंने हाफ किया इसको, वी को मैंने यहाँ से इसको स्विच किया और वी को यहाँ से हटाया। तो ये थोड़ा सा आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लोगे कि मेरे को यहाँ पे हाफ चाहिए,
तो मैं यहां से इसको इस तरीके से यूज कर लूंगा, कुछ ऐसे। थोड़ा सा रियल इफेक्ट है ये, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और वो आप इजली यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ऐसे। ओके, अब ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, मान लो मेरे को यहाँ पे भी चाहिए तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ, वी के भी सेंटर में। ये करने के बाद आपको करना क्या है, अभी यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके अपने टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करें ताकि वो टेक्स्ट का सिलेक्शन ले पाए, और उसके बाद आप यहाँ पे मास्किंग को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट पे क्लिक करें, मॉडिफाई पे जाएं और एक्सपेंड पे क्लिक करें। मेरे को ये सिलेक्शन एक्सपेंड करना है। अब कितना एक्सपेंड करना है वो डिपेंड करता है आपके फोटो की रेजोल्यूशन पे, आपके साइज पे। अभी मैंने 980 बाई जो HD क्वालिटी की इमेज ली है, तो एक्सपेंड बाई मैं 5 पिक्सल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो वो देखो वो उसने एक्सपेंड कर दिया इसको एज ए 5 पिक्सल। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर मेरे को रखना है और कंट्रोल के साथ मैं प्रेस कर दूंगा बैक स्पेस या डिलीट बटन, तो वो वाला कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से इसकी एक बाउंड्री आ जाएगी। ओके, बाउंड्री आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस लेयर की एक कॉपी करनी है। आप अल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाए, आपकी एक कॉपी हो जाएगी, ठीक है, या फिर कंट्रोल जे से भी आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप लेयर मास्क पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दे लेयर मास्क को, आपका लेयर मास्क डिलीट हो जाएगा। आपको इमेज को मूव कहीं पे भी नहीं करना है, और इसको करने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करके आप कर दे क्रिएट लेयर मास्क। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप इस पे राइट क्लिक करें, अगर यहाँ पे आपको नजर नहीं आए कि क्रिएट क्लिपिंग मास्क यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आप इस पे क्लिक करें तो वो क्लिप मास्क हो गया। ये वाला देखो आप एक एरो देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो टेक्स्ट के अंदर आ गया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपका देखो यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट आ गया और ये फिल आपका आ गया। अब आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसको भी मेरे को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, या फिर उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको हल्का सा वाइब्रेंस करके इसको हल्के से कलर को मैं इंक्रीज करता हूँ, जितना भी आप चाहते हो, अगर आप अपने इमेज को बढ़िया से चाहते हो। एक है चीज की मैं इसके बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक किया, न्यू लेयर को नीचे किया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करके मैंने ये वाला ग्रेडियंट लिया, ओके किया, ओके करके मैंने रेडियल लिया, रिवर्स किया और स्केल को थोड़ा बढ़ा दिया। या तो आप इस तरीके का बैकग्राउंड लेना चाहते हो तो इस तरीके का बैकग्राउंड ले सकते हो, या फिर इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ना लेके मैं इसी इमेज की एक कंट्रोल जे करके कॉपी करता हूं और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ओके, नीचे लाके मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ बिल्कुल 20-19 इतना परसेंट, और इसके साइज को शिफ्ट प्लस अल्ट की हेल्प से साइज को इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इसको नीचे लेके आता हूँ। अब यही इमेज देखो, यही इफेक्ट आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लियर है। अब ये थोड़ा सा और अच्छी इमेज आपको यहाँ पे लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये करने के बाद आप यहाँ पे फिनिश करो, फिनिश करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और रियल इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसकी ओपेसिटी को आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक नाम लिख सकते हो, मान लो जीविका वर्मा मेरे को लिखना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके साइज को मैंने यहाँ से छोटा किया। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जीविका वर्मा। उसके बाद मैं इसके साइज को फर्दर मैं छोटा करूंगा यहां से। छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा और छोटा, और आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपनी इमेज को फिर लास्टली बना सकते हैं, जीविका वर्मा मॉडल एक्टर, और भी कोई भी चेंजेस आते हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे आप टेक्स्ट मास्किंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।